अरे देखिए, नेता है, नेता को तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलते तो फिर आप हमसे पूछते नहीं। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार मामला तूल पकड़ रहा है। बता दें आपको, जब बिहार का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद बिहार लौटा है, तब भी चर्चा तेज है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से जवाब मिलते हैं। इसको लेकर बिहार के अंदर भी खूब बयानबाजी हो रहा है। जेडीयू और बीजेपी के तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो हम आपको खास तौर पे बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को आप जानते हैं, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आज सुबह ही उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी के अंदर जो बातें हैं, जो बयान सामने आए, चूंकि बीजेपी के कुछ लोग जातिगत जनगणना के समर्थन में, उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है और गतिरोध बीजेपी के अंदर ही है, तो बीजेपी को ये तय करना है कि आखिर वो चाहती क्या है। अब देखिए, बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर हैं, बिस्फी से विधायक हैं बिहार के, और आपको पता है कि वो अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। हरिभूषण ठाकुर ने पलटवार किया है, उन्होंने कहा कि 3 पावर स्टेशन खोल रखे हैं जेडीयू ने, 1 पावर स्टेशन का केंद्र बनना चाह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से कहा कि कोई बीजेपी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जो भी है जेडीयू के अंदर है। अब आगे आने वाले समय में देखना है कि नुकसान किसको कितना होगा। पहले सुनिए हरिभूषण ठाकुर को, जो बिस्फी से विधायक हैं, उस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि अगर जातीय जनगणना पे बीजेपी जल्दी कोई फैसला नहीं लेती है तो उनको नुकसान होगा और बीजेपी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अच्छा, बीजेपी को नुकसान होगा या किसको नुकसान होगा तो समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी नुकसान में नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उपेंद्र जी बोले हैं, अब तो प्रधानमंत्री जी, हमारे सारे लोग डेलीगेट गए थे मिलने, अब प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे, जातीय जनगणना का निर्णय लेंगे, तो हम लोग उसी के साथ हैं। क्या लगता है, कोई पीएम और सीएम की मुलाकात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा से बयान लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं? अरे देखिए, नेता है, नेता को तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलते तो फिर आप हमसे पूछते नहीं। नेता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कन्फ्लिक्ट नहीं है। उन्हीं के पार्टी में 3 गो पावर सेंटर है, 1 पावर सेंटर वो बनना चाह रहे हैं। सर अब तक गोपाल मंडल को भी लोग जानता है, हमारे डिप्टी सीएम लोग को भी जानता है, जनता सब जानती है। तो आपने सुना, हरिभूषण ठाकुर बीजेपी से विधायक है और खास तौर पे आज उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो सुबह आज बयान दिया, हालांकि कल जो एक बयान सामने आया था एक कार्यक्रम के दौरान, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि बीजेपी को उन्होंने खुली चेतावनी दी थी कि अगर जातिगत जनगणना को नहीं माना गया तो एक बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के अंदर इस वक्त जातिगत जनगणना को लेकर के लगातार मामला जो है तूल पकड़ रहा है। बिहार से आपने देखा किस तरह से एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, जवाब का इंतजार हो रहा है कि क्या मोदी इस जातिगत जनगणना को लेकर के क्या डेलीगेशन का समर्थन करेंगे, क्या बिहार में एक बार फिर से जातिगत जनगणना होगी। इसको लेकर के अब बीजेपी और जेडीयू के बीच जो है मतभेद देखी जा रही है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा का बयान और अब फिर से एक बार हरिभूषण ठाकुर जो बिस्फी से विधायक है, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार किया है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।